नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार गुप्ता। आप देख रहे हैं मेरे चैनल को, उसका नाम है रेगुलर क्लासेस फॉर अकाउंट। सामने आपको दिख रही है इनकम टैक्स की बुक, एससी मल्होत्रा वाली, और असेसमेंट ईयर है 60, असेसमेंट ईयर 21-22 और 62 एडिशन है शायद, तो द्वारा लिखी हुई बुक है, छपी हुई। तो पुरानी बुक है, पुरानी बुक से करा रहे हैं। एक भाई कमेंट आया था उनका 22-23 है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, नई बुक है तो अच्छी बात है। बाकी अपने चेंजेस जरूर चेक कर लेना, कुछ चेंजेस हुए नहीं हुए। थ्योरी वाली, वो थ्योरी वाले जो हमारी वीडियो है उन्हें देख कर क्या चेंजेस हुए उनके हिसाब से मॉडिफाई करके अपने क्वेश्चन को कर सकते हैं। फिलहाल चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 6, इनकम फ्रॉम सैलरी रिटायरमेंट। क्वेश्चन नंबर चलेगा 10th। 10th क्वेश्चन को पढ़वाते हैं, समझाते हैं, फिर क्वेश्चन को कराएंगे। तो स्टैंड नीचे करते हैं जिससे आपको क्लियर दिखाई दे। तो क्लियर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर लिखा है मिस्टर एक्स वॉज वर्किंग इन अ फैक्ट्री इन दिल्ली। ही गॉट 14,000 पर मंथ बेसिक सैलरी, 1,600 पर मंथ एज DNS अलाउंस और 1,000 रुपये पर मंथ एज हाउस रेंट अलाउंस। ही रिसाइड इन हिज ओन हाउस, अपने खुद के हाउस में रहता है, तो यानी कि पूरा पूरा ये भी जो भी मिलेगा ये टैक्सेबल हो जाएगा। ही गॉट 4,000 एज ट्रेवलिंग अलाउंसेस फॉर द टूर, ये एग्जाम्प्ट हो जाता है। आप पढ़ चुके हैं इसके बारे में पिछले चैप्टर में, सैलरी वाला चैप्टर जब हमने कराया होगा उस समय। ही रिटायर ऑन 1 जैन 2021 एंड गॉट 1,60,000 एज ग्रेचुटी एंड 2 लाख एज कम्यूटेड एक्यूमुलेटेड एक्यूमुलेटेड बैलेंस ऑफ हिज अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड की बात की गई है, तो मतलब आधा पैसा आपका टैक्सेबल रहेगा जो प्रॉपर जो एम्प्लॉयर करता है ना कॉन्ट्रीब्यूशन उसका, तो 2 लाख का 1 लाख आ जाएगा। और ये ग्रेचुटी की बात है, इसके लिए हम या तो सॉल्व कर लेंगे या फिर नॉर्मल से लगा 1,60,000 बहुत कम अमाउंट है। ठीक है, बाकी इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। ये एग्जाम्प्ट हो जाएगी ग्रेचुटी पूरी पूरी विद इन द लिमिट अगर होती तो, बाकी चेक कर लेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, हिज ऑन कॉन्ट्रीब्यूशन एंड दैट ऑफ द फैक्ट्री टू हिज टू दिस फंड वॉज इक्वल, मतलब उसका खुद का कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन हुए इक्वल रहेगा, इक्वल होगा इस टाइप से माने का। ही ऑल्सो रिसीव्ड 1,76,000 फॉर 10 मंथ अर्न लीव टू हिज क्रेडिट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। 10 महीने की इसकी वो दे रखा है इसमें अर्न लीव के पैसे, 10 मंथ की जो से क्रेडिट था एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। और लीव एक्योर एट 30 डेज पर ईयर ऑफ एक्चुअल सर्विस, मतलब 1 साल की सर्विस में 30 दिन की छुट्टी हिसाब से बताया गया। ही वॉज अलाउड टू गेट पेंशन 4,000 पर मंथ, 3/4 ऑफ विच वॉज कम्यूटेड फॉर 2,40,000, यानी कि आप देख सकते हैं पेंशन के बारे में लिखा 4,000 पर मंथ, लेकिन 3/4 कम्यूटेड मिल चुकी है, तो मतलब 1/4 ही आपको मिलेगी। तो 1/4 इसका 1,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से मिलेगा आपको पेंशन, जो कि टैक्सेबल पेंशन में आएगी। ही कमेंस सर्विस ऑफ फैक्ट्री ऑन 1 अगस्त 1985 और एंड हिज एवरेज सैलरी ड्यूरिंग द 10 मंथ इमिडिएटली प्रीसीडिंग द रिटायरमेंट 1,500, यानी रिटायरमेंट से पहले की इसकी जो एवरेज सैलरी है वो है 1,500। ठीक है, तो अगर आप ग्रेचुटी की बात करें तो 1985 से अगर सर्विस लाइफ जोड़ेंगे 2021 तक, मतलब 20 मान लो क्योंकि जनवरी है ये, इससे पहले दिसंबर तक काम किया इन्होंने, 2020 तक अगर माइनस करें तो 35 साल बैठते हैं। ठीक है, या तो आप सॉल्व करना है, सॉल्व भी कर सकते हैं इस चीज़ को, मैं यहाँ पे कैलकुलेटर में करके दिखा रहा हूँ, अभी से कर रहा हूँ क्योंकि ऐसा है ना फिर दिक्कत नहीं बनेगी आपको। तो 2020 माइनस 1985 वर्किंग लाइफ आ जाएगी इनकी 35 साल, 1,500 की इनकी वो है एवरेज सैलरी, इंटू करेंगे 15 दिन की सैलरी जो निकालते हैं, 15/26, 25 लिख दिया मैंने, 15,600 इंटू 15/26, तो ये आ जाएगा 9,000। 9,000 15 दिन की सैलरी आ गई इंटू सर्विस लाइफ 35 साल, तो ये हो गया हमारे पास करीबन 3,15,000। एक पॉइंट हो गया, एक्चुअल मिली कितनी थी 1,60,000, कहाँ गया ये रहा,
और 20 लाख की मैक्सिमम लिमिट होती है, तीनों में से कम क्या है, यही कम है, तो ये आपकी एग्जेम्प्ट हो जाएगी। ठीक है, इस चक्कर में बताया था मैंने ऐसे कि बहुत कम अमाउंट है ये। और कुछ लिखा है? नहीं, इतना ही लिखा है। कंप्यूट टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी, और जिसे करके दिखाते हैं। चलो सॉल्व, आज कैलकुलेटर है हमारे पास तो अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, करके दिखाते हैं आपको क्वेश्चन। डिस्क्रिप्शन कुछ लिखा तो पढ़ लेना। ठीक है, तो बच्चों करके दिखाते हैं। यह हमने लिख दिया है 10th क्वेश्चन, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर 2021-22। अब हम शुरुआत करते हैं, उसे क्या क्या मिलता है, सैलरी मिलती है ना। फर्स्ट पॉइंट सैलरी, रिटायरमेंट हुआ था इनका 1 जनवरी 2021 को, तो उससे पहले काम किया, अप्रैल से लिखा हम साल गिनते हैं, तो 9 महीने का हो गया, तो 14,000 × 9 अभी अभी लिख के छोड़ देते हैं। दूसरी चीज़ है क्या मिलती है, डीए मिलता है 1600 × 9। नंबर 3 क्या मिलता है फिर आगे, हाउस रेंट अलाउंसेस भी लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन पेंशन भी है, ध्यान रखो 4000 पेंशन है, लेकिन 4000 नहीं आएगी, पेंशन जो आएगी वो आएगी 1000 रुपये, क्योंकि 3/4 तो मिल गया था 3 महीने की, जनवरी फरवरी मार्च, वरना वो पॉइंट छूट जाता है, इसलिए मैंने पहले लिखवा दिया। हाँ, तो HRA जो था हमारा कितना है, 1000 रुपये मिलता है पूरा टैक्सेबल, क्योंकि खुद के घर में रह रहा है। रिटायरमेंट से पहले पहले 9 महीने तक का मिल गया हमें HRA। ठीक है, फिर यहाँ पे आगे लिखा था ही रिसाइड इन हाउस, ट्रैवलिंग अलाउंसेस है 5वां, ट्रैवलिंग अलाउंसेस ये एग्जेम्प्ट रहेगा। ठीक है, टूर के लिए जो मिला है ये। रिटायर की ग्रेच्युटी मिलती है, ग्रेच्युटी 6, एग्जेम्प्ट 7वां पॉइंट था, एक्यूमुलेटेड बैलेंस इन अनरिकॉग्नाइज फंड मिला है 2 लाख रुपए, तो हम कहेंगे लमसम अमाउंट रिसीव फ्रॉम अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं, आधी रकम लिखेंगे हम इसमें, 1/2 ऑफ अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। ठीक है, लमसम अमाउंट में नहीं लिखा, ऐसे लिखा 1/2, आधा मिला है हमें अनरिकॉग्नाइज। ठीक, तो इसमें आ जाएगा आधा अमाउंट, 2 लाख का आधा 1 लाख, अभी इसे भरूंगा ध्यान रखना। ठीक है, कैलकुलेटर इकट्ठा यूज करूंगा। 8वां पॉइंट क्या लिखा फिर, कोई चीज छूट ना जाए, यहाँ तक तो आ गए थे हम, अनरिकॉग्नाइज हो गया था ये, कॉन्ट्रीब्यूशन टू इक्वल थो ले लिया, ये रिसीव्ड 176 अर्न लीव है, तो ये लिखें इन कैशमेंट ऑफ अर्न लीव, ये गाने आ जाएंगे इसमें, कॉपीराइट आ जाएगा। तो इसे तो अभी सॉल्व करेंगे, है ना। 9th हम लिख देते हैं, कम्यूटेड पेंशन। ठीक है, इसे भी सॉल्व करके लिखना पड़ेगा। ठीक है, और बाकी और कुछ पॉइंट है नहीं, टोटल करेंगे, ग्रॉस सैलरी आएगी, क्योंकि हमें फॉर्मेट पूरा फॉलो करना पड़ेगा, लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन। ठीक है, 50,000 लेस कर देंगे, टैक्सेबल सैलरी आएगी। ठीक, यहाँ तक अब इसे सॉल्व करते, पहले इतना ऊपर का मल्टीप्लाई करता हूँ, फिर मिलता हूँ, आप वीडियो पॉज कर लो, वीडियो पॉज कर नोट डाउन करो, मैं भी करता हूँ। तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया है। ठीक है, मल्टीप्लाई करके सब अमाउंट आ चुकी हैं, अब वर्किंग नोट में चलते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर देते से वर्किंग नोट। ठीक है, फर्स्ट लिखते हैं हम अपना वो इनकैशमेंट ऑफ अर्न लीव, इनकैशमेंट
ऑफ अर्ली। ठीक है, तो हमें निकालना है जो कम से कम होगा क्या होगा, उसके लिए हम लिखते हैं लीस्ट ऑफ दी फॉलोइंग फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट। ठीक है भाई, म्यूजिक बहुत तेज चला रहे हैं बच्चे साइड वाले दोस्त। तो अरे यार कैसे करूँ मैं, वीडियो कैसे बनाऊँगा। तो भैया यहाँ पे कई सारे पॉइंट आते हैं एनकैशमेंट ऑफ वन लीव में। तो एक तो देखते हैं लीव कितनी छुट्टी बाकी थी, तो इसमें बोला 10 महीने की छुट्टी बाकी थी, उसके लिए पैसे मिले। ठीक है, तो पहली बात वही लिखे हैं 10 मंथ सैलरी, 10 मंथ सैलरी फॉर लीव ड्यू। ठीक है, तो 15,600 × 10 के हिसाब से कितना हो जाएगा, जो एवरेज सैलरी तो वही थी 1,600 रिटायरमेंट से पहले, तो 1,56,000। नंबर दो, 10 मंथ की सैलरी हम लेते हैं, एक तो ये लीव ड्यू वाली थी, एक हम लेते हैं 10 मंथ सैलरी, तो उसमें भी ये रहेगा 15,600 × 10, तो ये हो जाएगा 1,56,000। मैक्सिमम लिमिट कितनी होती है, मैक्सिमम लिमिट ये तुम्हें याद रखनी पड़ेगी, हर एक केस के लिए अलग अलग है, इसके लिए 3 लाख है। फोर्थ, एक्चुअल अमाउंट रिसीव, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड ये मिली थी हमें कितनी, और कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई, 1,76,000 रुपये मिले थे। ठीक है, एग्जैम्प्ट अमाउंट क्या हो जाएगी, जो इनमें से कम है, एग्जैम्प्ट अमाउंट तो इन तीनों में से कम वही है 156, चाहे कोई भी ले लो 156, ये इन दोनों में से टैक्सेबल हो जाएगा, ये हो जाएगा 176 मिला, उसमें से 156 आ जाएगा माइनस करके 20,000, तो इस पॉइंट के लिए तो आ गया 20,000। ठीक है, तो आप इसे पूरा नोट कर लेना, मैं थोड़ा स्टैंड ऊंचा कर दूं। ठीक है, तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक का पूरा वीडियो पॉज करके, एक पॉइंट रह गया कम्यूटेड पेंशन वाला, वो भी कराते हैं अगले पेज पर कराऊंगा, तो वीडियो पॉज करके पहले आप नोट डाउन कर लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, है ना, वरना वीडियो और बड़ी हो जाएगी। ठीक है, मुझे लगता है आपने कर लिया वो वीडियो पॉज करके मैं आइडिया से सोच रहा होता है। ठीक है, अब मैं पेज पलटता हूँ, फिर उसकी वो करता हूँ वर्किंग। तो कम्यूटेड पेंशन निकालना है, जो हमें पेंशन मिली थी 3/4 कम्यूटेड पेंशन जो मिली थी वो कितनी मिली थी, ये 2,40,000। फिर निकालना है फुल पेंशन, 2,40 × 4/3, 8 से 8 24, 8 8 24 32, 3,20,000 आ जाएगा। ठीक है, और आपको पता है जब अपने ग्रेचुटी मिल चुकी है तो 1/3 तक ही माफ होती है, 1/3 ऑफ फुल पेंशन, तो 1,00,000 सॉरी 3,20,000 का 1/3 करता हूँ तो कितना आएगा। ठीक है, वो देखते हैं, आप भी काटो, 3,20,000 × 1/3 ये आपका आएगा 106,667। ठीक है, टैक्सेबल क्या हो जाएगा, इतनी तक तो माफ़ होती है, टैक्सेबल हो जाएगा आपका 2,40,000 मिला। ठीक है, 106,667 क्या आएगा अमाउंट, 2,40,000 माइनस 106,667, थोड़ा सा कम हो गया, 67। ठीक है, ये देखो जो आएगा 1,33,333। ठीक है, ये आपका टैक्सेबल है, आप इसे वीडियो पॉज करके नोट कर लेना, वर्किंग नंबर 2, या फिर मैं ऐसे दिखा देता हूँ, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 1,33,333। ठीक है, अब टोटल करता हूँ, आप चाहो तो इसे पूरा नोट डाउन कर सकते हो, एक ही फ्रेम में दिख रहा है आपको क्वेश्चन, अब नोट डाउन करो तो मैं कैलकुलेशन करूँ। 1,26,000 प्लस
14400 प्लस 3000 प्लस 9000 प्लस 1 लाख प्लस 2 लाख। कमेंट में ज़रूर बताना कि आपने कितने कितने बच्चों को ये शेयर किया वीडियो। तो ये आ गया, टोटली को फिर से चेक करूँगा। तो पिछली बार टोटलिंग मेरे, मैंने यहाँ पे 20 के 2 लाख लिख दिए थे, तो इसलिए टोटल लगा रहा था। ये आएगा 4,05,733, इसमें से माइनस करूँगा मैं 50,000, तो ये आएगा 3,55,733। चेक करो आंसर को। यही आ रहा है, अब आप नोट कर लेना, ठीक है। 3,55,733 आ रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। अगली वीडियो में मिलेंगे। क्वेश्चन थोड़े बड़े बड़े से ही हैं आपका, ठीक है।